हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए आज हम आप लोगों को जोड़ किस प्रकार से जोड़ा जाता है उसको बताते हैं, एडिशन क्या होता है, प्लस कैसे होता है उसको बताते हैं, साधारण जोड़ किस प्रकार से होता है, दशमलव जोड़ किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपको समझाते हैं बेसिक मैथ का पहला चैप्टर जोड़ कैसे हुआ इसको समझाते हैं। ठीक है, आइए देखियो, दिया है 245 प्लस 350 प्लस 650, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना है तो एकदम आराम से आप इसको लिखिए, इस प्रकार से आप इसको लिखिए, सीरियल से क्रम में लिखिए। 245 प्लस है तो इसके नीचे लिखेंगे आप जो प्लस के बाद जो संख्या उसको आप लिखेंगे। 350 है तो इसके नीचे आप 350 लिख लीजिए। फिर इसके बाद 650 है तो उसके नीचे आप 650 को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप जोड़िए। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। आप थोड़ा भी मत घबराइए, जिनकी मैथ एकदम कमजोर है उनकी भी मैथ अच्छी हो जाएगी। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, खूब अच्छे से मन लगा कर देखिए। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं देखेंगे, हम जोड़ेंगे पहले पीछे से, मतलब दाएं तरफ से जोड़ते हैं, बाएं तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले जोड़ेंगे इधर से जोड़ेंगे 5 + 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, तो इसको यहाँ उतार लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए 4 है, 4 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 4 + 5 = 9 हो जाएगा, 4 + 5 = 9 हो जाएगा। फिर आगे आप आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे फिर 5 है, तो यहाँ आप फिर 5 जोड़ेंगे तो 9 + 5 = 14 आपका हो जाएगा। ठीक है, 9 + 5 = 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल लगा आपका, एक इधर आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलिए, आप इसको जोड़िए, देखिए क्या है, 2 + 3, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे आप तो 11 हो जाएगा, 11 हुआ, लेकिन तो आपका हासिल एक यहाँ था जिसको आप इसमें फिर जोड़ लेंगे, 11 + 1 = 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। क्या हमने किया, इस प्रकार से जोड़ दिया गया था, आपने इसको किया क्या, इसको आप इस तरह से सीरियल में लिख लिए, उसके बाद आप पीछे से जोड़ना स्टार्ट किए, 5 + 0 + 0 = 5 हो गया मिलके, उसके बाद फिर आपने दूसरा उठाया 4 + 5 = 9 और 9 और 5 = 14 के 4 हासिल लगा, एक आपने यहाँ इसको कैरी को यहाँ लिख दिया। फिर आगे आप गए, इसको जोड़े 3 × 2 = 5, 5 हो गया, 5 × 6 = 11 आपका, उसके बाद फिर एक हासिल आपने जोड़ा तो 12 आपका ही हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये तो हो गया बिना दशमलव वाला आपका जोड़। आसानी से आप इसको एक बार दो बार इस तरह से करिए, आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर दिया है दशमलव वाला, दशमलव वाले जोड़ में किस चीज का ध्यान देना होता है और किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं हम आपको वो समझाते हैं। ये वाला तो थोड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ा सा आपको एकदम थोड़ी सी चीज का ध्यान देना है, आसानी से आप इसको भी समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से इसको भी, जैसे इसको लिखे उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, बस ध्यान इतना देंगे कि जहां दशमलव है उसका ध्यान देंगे हमेशा, दशमलव के बाईं तरफ की चीज को दशमलव के बाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ की चीज को दशमलव के दाईं तरफ, चीज मतलब संख्या। चलिए करके हम बताते हैं आपको, देखिए क्या लिखा है, 2.45 लिखा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ 2.45, आप इस दशमलव का विशेष ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पहले जो संख्या लिखी गई उसको दशमलव के पहले लिखिएगा, जो दशमलव के बाद संख्या लिखी गई उसको दशमलव के बाद आप लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3.50। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे लिखा गया 6.50, इसको लिखिए 6.50। ठीक है, अब दशमलव के बाईं तरफ की संख्या को दशमलव के बाईं तरफ जोड़ दीजिए, दशमलव के दाईं तरफ की संख्या को दशमलव के दाईं तरफ जोड़ दीजिए। ठीक है, आप की करके देखते हैं, अब फिर जोड़िए इसको, जोड़िए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 0 5 ही आएगा, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, आप 5 यहां लिख दीजिए। फिर इसको जोड़ेंगे, अगले पे चलेंगे, 5 + 4 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 4 हासिल लगा आपका 1। ये जो हासिल वाली प्रक्रिया इसमें जिस प्रकार से होती थी वैसे इसमें भी होगी। ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए आप। इसके बाद फिर इसमें आइए, आगे देखिए इसको जोड़ते हैं, 2 + 3 तो आपका ये हो जाएगा 5, 5 + 6 आपका हो जाएगा 11, लेकिन 11 और एक है हासिल, जो आपका हासिल इसमें आया है उसको इसमें जोड़ के लिखेंगे, 11 + 1 = 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दशमलव इसमें कहां लगाया जाए, आप देखेंगे दशमलव जहां था वहीं सीध में आप लगा दीजिए, दिस इज ए आंसर आपका, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीजें एक बार दो बार करिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
और हम आपको आगे और चीजें बताएंगे। अभी आप छोटा छोटा करिए, आगे हम और चीजें बताएंगे, ठीक है। अभी ये रहा जोड़ का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुणा कैसे होता है, फिर अगले वीडियो में भाग कैसे होता है, फिर घटाना कैसे होता है। सारी चीजें हम आपको छोटे छोटे वीडियो में करके, खंडों में करके समझा देंगे, बता देंगे। जिनका मैथ थोड़ा भी कमजोर है या तो एकदम कमजोर है, उनको थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके सारी चीजें उन्हें आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप समय दीजिए, हम अपना समय आपको देंगे, आप हमें दीजिए, मिलजुल के सीखा जाएगा तो आसानी हो जाएगी। किसी भी कार्य को करने के लिए मिलजुल करते हैं तो आसानी से कार्य संपन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।